दयानत हो जाएंगे। जिसके पास अमानत रखेंगे खुद ही खा जाएगा, अमानत खुद ही खा जाएंगे। अमानत रखने वाले परेशान हाल फिर रहे होंगे। जब कभी उम्मत जिंदा थी, मौतज़िद बिल्ला के पास एक शख्स आया कि जी बगदाद का सबसे बड़ा ताजर, उसके पास बहुत बड़ी अमानत रखवा के हज पे गया, वो आके मुकर गया देता नहीं। कोई गवाह? क्या जी गवाह कोई नहीं, मैं क्या करूं, मेरा गवाह कोई नहीं। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन जब कभी जिंदा थे, जब उनके दरवाजों पर आहनी गेट नहीं थे, जब वो सोज गुदाज रखने वाले थे, सोच कहने लगा, अच्छा ऐसा करो तुम उसकी दुकान के सामने जाकर बैठ जाओ, मैं गुजरूंगा तुझे सलाम करूंगा, तूने खड़े नहीं होना, सलाम का जवाब बैठे बैठे देना है, मैं तेरा हाल पूछूंगा तूने बेनियाजी से जवाब देना है, कोई बात तूने सीधी नहीं मुझे करनी। उसको जाकर बिठा दिया दुकान पर, फिर अपना शाही सवारी लेकर निकला। तो पीछे लौ लश्कर जब वहां पहुंचा तो उसको कहा, अस्सलाम अलैकुम या उखैज, अरे भाई अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो सारे हैरान होकर उसको देख रही है, क्या बला है, सारी दुनिया तो खड़ी हो रही है अमीरुल मोमिनीन के लिए, वो उसी तरह बैठा हुआ है। कहा भाई क्या हाल है? अबे ठीक हूं, क्या सर खाया होगा भाई, आप हमें मिलने ही नहीं आए बगदाद में, और मिलने ही नहीं आए, और मैं कोई फारिग थोड़ा हूं कि तुझे मिलने आऊं। ऐसे दो चार बातें करके वो चला गया। ताजर ये देख रहा था, फिफरा कंबे उड़ मारे, कहने का भाई वो कौन सी थैली थी जरा बताओ जिसमें तू कह रहा है कि मैंने पैसे रखवाए थे। कहा जी वो नीले रंग की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो मेरे पास पड़ी है, मुझे याद नहीं रहा, अभी हाजिर। वो मिली, लेकर पहुंचा गया ना, मिल गई तो मोतज़ खुद आया, कहा यहां फांसी का फंदा बनाओ। फांसी का फंदा बनाकर उसको वहीं लटका दिया, बाजार में लटका दिया। यहां 16 साल कत्ल के केस के फैसले नहीं होते। ये क्या इंसाफ है कि एक नस्ल मर जाए। फरियादें करती करती माएं कब्रों में चली गईं, बूढ़े बाप की कमरें रुकू में चली गईं, और अदालतें इंसाफ न दे सकी। वल अमानत मगनमा, लोग भी बददियानत हो जाएंगे, अमानत खा जाएंगे। व ज़कात मगरमा, मालदार लोग ज़कात देना छोड़ देंगे, अयाशियों पे पैसा लुटाएंगे, ज़कात नहीं देंगे। अगर ये सारे पाकिस्तान के लोग सिर्फ ज़कात दे दें तो ये कश्मीर के जलजले के लिए किसी मदद की जरूरत कोई नहीं है, बाहर की मदद की जरूरत कोई नहीं है। وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ, और इल्म दीन अल्लाह की रजा की बजाय दुनिया की तलब के लिए हासिल होने लगेगा। इल्म दीन का की मंजिल अल्लाह ना रहेगा, इल्म दीन की मंजिल कुछ और हो जाएगी। وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ, और लोग अपनी बीवियों के फरमा बरदार हो जाएंगे। وَعَقَّ أُمَّهُ, और माओ के नाफरमान हो जाएंगे। وَأَدْنَى صَدِيقَهُ, दोस्त को देखकर बाहें फैलाएंगे। वह अक्सा अबा हो, बाप को देख के धक्का देंगे, बाप को जलील करेंगे, दोस्त का इकराम करेंगे, माओ को ख्वार कर देंगे, बीवियों को सजदे करेंगे, सजदे से मुराद उनके गुलाम बन जाएंगे, उनके फरमा बरदार बन जाएंगे। जब ये होगा, देखो एक अजीब बात आपको बताऊं, अल्लाह के नबी ने नाफरमानी के लिए अरबी जुबान में लफ्ज आता है मासियत, आसा। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के लिए भी आसा का लफ्ज इस्तेमाल किया, अपने लिए भी आसा का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी के लिए आसा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, अक्का का लफ्ज इस्तेमाल किया है, अक्का। और भाई कोई टिश्यू पेपर है, और टिश्यू पेपर मांग रहा हूं खुदा के बंदे, इधर आपको अक्का का मतलब बताना चाहता हूं। इसको आप कोई जोड़ सकता है? ये पुरजे पुरजे हो चुकी है चीज, इसको अरबी जुबान में अक्का कहते हैं, हुकूक कहते हैं, हुकूक। तो अल्लाह के नबी ये बता रहे हैं जो मां बाप का नाफरमान होता है उसके गजब के सिवा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने मां बाप को तंग किया उस पर अल्लाह की लानत,
उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत, उसकी न नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न हज कबूल है। इस्लामाबाद भरा पड़ा है माओं की हाय है, बाप के आंसू हैं, औलाद को फुर्सत कोई नहीं। पिंडी भरा पड़ा है, पाकिस्तान भरा पड़ा है, मां बाप डरते हैं, जवान औलाद से बाप बात नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा, कानून से सुना, जवान बेटी अपनी मां से कह रही थी बकवास ना कर, और उसके मोटे मोटे आंसू जो उसके गालों पर ढलक रहे थे, मुझे यूं लग रहा था ये अर्श को भी हिला के रख देंगे। और एक बेटा अपने बाप का गरेबान पकड़ के कह रहा था तू आज तक मेरे वास्ते की कीता है। बेटा बाप से कह रहा था, इन्हीं कानों से मैंने खुद सुना है, कोई मैं रिवायत नहीं कर रहा हूं, तू आज तक मेरे वास्ते की कीता है। जब औलाद यूं हो, और सुनो अल्लाह के नबी से पूछा गया क्यामत कब आएगी, क्यामत तो आएगी जब लोग काफिर होंगे, कोई मुसलमान जिंदा नहीं होगा क्यामत पर, सब काफिर होंगे। तो आप कहते जब लोग सारे काफिर हो जाएंगे क्यामत आ जाएगी। शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है। तो आपने कहा अल्लाह ही जाने कब आएगी, तो जिब्रील ने कहा कोई निशानी तो बताएं, कोई निशानी तो बताएं। तो आपने फरमाया जब तुम देखो कि लोग अपनी माओ से नौकरों की तरह सलूक कर रहे हों। किससे क्यामत को जोड़ा है, जब इस्लामाबाद पिंडी के नौजवान अपनी माओ से नौकरों की तरह, बाप से नौकरों की तरह बात करें। और अरब का बद्दू लंबी 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 बिल्डिंगें बनाए, तो समझो कि क्यामत के नकारे पे चोट पड़ने का वक्त आ चुका है। ये सब कुछ टूटने वाला है, ऐसा टूटेगा कि कोई रोने वाला ही ना बचेगा। मां बाप की नाफरमानी हलाकत का वो सामान है कि जहन्नम की आग भी इन पर पलट पलट के आएगी। सहाबी अलकमा रजी अल्लाह अन्हो, पैगाम पहुंचा या रसूल अल्लाह, बीवी का अलकमा मौत की हालत में कलमा नहीं पढ़ा जा रहा, सहाबी का कलमा रुक चुका है जबकि नबी खुद जिंदा मौजूद हैं। तो आपने फौरन पूछा मां बाप में कौन जिंदा है, का जी मां जिंदा है, का नाराज है राजी, का जी नाराज है। तो आपने फौरन उनकी मां को बुलवा कर कहा अलकमा की अम्मा अब बेटे को माफ कर दे। कहा या रसूलल्लाह ना, आपने पूछा तुझे अपने बेटे से क्या शिकायत है, कहा या रसूलल्लाह मुझे उसके दीन की कोई शिकायत नहीं, तहज्जुद गुजार, परहेजगार, नमाजी, मुझे सिर्फ एक शिकायत है, जब भी बोलता है मेरा सीना चीर के रख देता है, जब भी बोला मुझे जलील कर दिया, जब भी बोला मुझे ख्वार कर दिया। तो आपने कहा अच्छा माफ कर दो। कहा मेरा दिल, उस अम्मा को पता भी नहीं कि बेटा मर रहा है, वो तो रूठ के दूसरे घर है। तो आपने कहा माफ कर दो। कहा मेरा जी नहीं चाहता या रसूलल्लाह, मेरा दिल फट चुका है। तो आपने कहा बिलाल लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा को आग लगा दो। हाय अम्मा ये कहां से सके। कहा या रसूलल्लाह आप अलकमा को क्यों जलाएंगे, जब तू माफ नहीं करेगी तो दोजख की आग जलाएगी, वो मर रहा है। कहा अच्छा या रसूलल्लाह मैं माफ करती हूँ। इधर मुंह से निकला मैं माफ करती हूं, इधर अलकमा की जबान पे कलमा जारी हो गया। फिर उनके जनाजे में शिरकत फरमाई, खुद जनाजा पढ़ा के फिर ये बोल बोला जो मैंने पहले बताया कि जिसने मां बाप को तंग किया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, जमीन आसमान की लानत। وَأَتَى الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقَهُمْ, قبیلے کا سردار فاسق ہوگا, فاسق ہوگا۔ میرے بھائیو قبیلے کی سرداریاں نافرمانوں کے, فساق کے ہاتھ میں, ظالموں کے ہاتھ میں, اور کیا ہوگا۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ, हुकूमत निकम्मे इंसानों के हाथ में होगी, ना अहल इंसानों के हाथ में होगी, और क्या होगा। वह उखरे में रजुल मखाफत शर रही, एक दूसरे को सलाम भी करेंगे दिल में नफरत होगी, उसके शर से बचने का अंदर में होगा, ऊपर से यस सर यस सर यस सर, जनाब 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 जनाब। सिर्फ एक इन इस हदीस का मिसदाक बताऊं, एक सेक्रेटरी रिटायर हुआ सईवाल, उसने बेटे की शादी की, 5000 आदमियों के लिए कार्ड छापे गए। हम भी मदऊ थे,
तो दो साथी हमने भेजे, जाओ भाई शिरकत करके आओ। तो उन्होंने आके वापस कारगुजारी सुनाई कि वो रसम है ना पैसे देने की दूल्हा को, तो वो एक साथी ने हमारे बताया, दो आदमी बैठे थे, एक ने से बटुआ निकाला और पैसे निकालने लगा, दूसरे ने कहा रिटायर हो गया ही, कहता फिर दफा करो फिर दफा करो। चौधरी सदीक मरहूम थे, पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, 5 साल चीफ सेक्रेटरी रहे। उनका लड़का इलियास और मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इकट्ठे पढ़ते थे, तो हमारा आपस में आज तक ताल्लुक है, इतने 35 साल हो गए आज तक कोई मोहब्बत है। तो एक दिन मैं उससे मिलने गया, बीमार था, कहने लगा जब अब्बास सेक्रेटरी था ना तो छींक आने पे 100 आदमी आया करते, चो साहब खैरियत तो है, खैरियत तो है, और जब से रिटायर हुआ है मर रहे होते हैं कोई पूछता नहीं आके। उकरम अर्रजुल मखाफत शर्रही, ये सलाम किस लिए किए जाएंगे, उसके शर से बचने के लिए, मोहब्बत की वजह से नहीं, सियासत का सलाम होगा। और क्या होगा, वर्तफतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, नफरत के बीज और कांटे बिखरने लग जाएंगे। जिस मिंबर से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता था वो मिंबर फिरकावारियत की लपेट में आ जाएगा, और उससे लोग उनकी जबानें जहर उगलेंगी, जहर जो भाई को भाई से लड़ा देंगी और दस्तो गरेबां कर देंगी, और मस्जिदों में आग भड़कती हुई सारे फिजा को अपनी लपेट में ले लेगी, मस्जिदों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। और क्या होगा, तहरतिल कायनात वल माआज़िफ, गाने वालियां मोहतरम हो जाएंगी, गाने वालियां मोहतरम हो जाएंगी, जिनकी वजह से अल्लाह नाराज हुआ उन्हीं को जब इज्जत दी जाएगी। गाने वालियां ज़ाहरत के दो मतलब हैं, गाने वालियां आम हो जाएंगी और ज़ाहरत मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हो जाएंगी। वल मआज़िफ, और मौसीकी के आलात घर घर होंगे, कोई घर मौसीकी से बचा हुआ ना होगा, कोई घर मौसीकी से बचा हुआ ना होगा। वज़ाहरतिल कायनात वल मआज़िफ, गाने वालियां मुअज़्ज़ज़, गाने वालियां मोहतरम, महफिल मौसीकी के कार्ड छापे जा रहे हैं। मेरे नबी ने कहा था वो क्या दिन होगा जब तुम भलाइयां मिटाने लग जाओगे, बुराइयां फैलाने लग जाओगे। तुम आए तो थे भलाई फैलाने, बुराई मिटाने, पर एक वक्त आएगा तुम उल्टे हो जाओगे, भलाई को मिटाने लग जाओगे, बुराई को फैलाने लग जाओगे। तो आपने फरमाया गाने वालियां आम और गाना घर घर। याद रखो जो कौम मौसीकी में डूब जाए उन्हें हलाकत से कोई नहीं बचा सकता। मशरक और मगरब अल्लाह की पकड़ में आने वाले, मैं आपको बता रहा हूं, मैं नजूमी और काहिन नहीं हूं, पर मेरी जिंदगी का कुछ अरसा अल्लाह की किताब के साथ गुजरा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं मशरक और मगरब पर आने वाला है, आने वाला है ये अल्लाह, वो अल्लाह, वो बेनियाज और समद अल्लाह, हयाओं वाला अल्लाह, कुफर को मोहलत देता आया, शिर्क को मोहलत देता आया, बुत परस्ती को मोहलत देता आया, नहीं मोहलत दी तो बेहयाई को नहीं दी। जब कौमें बेहया हुई और नाच गाना इज्जत बन गया, जिना फैशन बन गया, औरतें कपड़ों से बाहर आ गईं, मर्द आवारा हो गए, तो फिर अल्लाह ने जमीन को हिलाया। अल्लाह ने बेहयाओं को मोहलत हमेशा थोड़ी दी है। मशरक और मगरब के सर से हया की चादर उतर चुकी है, उनकी तो उतर गई थी वो हमारी भी उतारने के चक्कर में हैं, उनकी तो उतर गई थी वो हमारी भी उतारने के चक्कर में हैं। और जिस दिन अल्लाह का निजाम चलेगा फिर उससे कोई रोक सकता है। अमिनतुम मन फिस समा अन यखसफ बिकुमुल अर्द फइज़ा हिया तमूर, तुम्हें खड़ों को जमीन में धंसा दूं, अपने अल्लाह को रोक लोगे। अमिनतुम मन फिस समा अन युरसिल अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ नज़ीर, तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसा दूं तो अपने रब को रोक लोगे। वलकद कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फकैफ कान नकीर, तुमसे पहलों ने झुठलाया, तेरे रब ने पकड़ के दिखाया, कुछ तो इबरत की नजर से देखो। मोहनजोदड़ो चलो बहुत दूर है,
टेक्सला क्यों नहीं चले जाते हो, ये गंधारा की तहजीब पे क्यों नहीं खड़े हो के तुम गौर करते हो, उनके टूटे मकान, उनकी दफन शुदा तहजीबें और उनके वीरान हवेलियां, मोहनजोदड़ो की तहजीब, हड़प्पा की तहजीब, ये तो मेरे देश के अंदर है, मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे रोम के खंडर देखने के लिए इटली जाने की जरूरत नहीं है, उर्दन जाने की, तुर्की जाने की जरूरत नहीं है, यही खंडर बता रहे हैं। मैं भी कबो किसी का सर पर गुरूर था, ये अल्लाह ने तहजीबों को खंडर कब बनाया, जब नाफरमान हुए। लूत अलैहिस्सलाम की कौम बेहया थी, उनके कुफर का इल्जाम सारे कुरान में एक दफा लगा है उन पर, जब भी नबी कहता था तुम गलती करते हो, तो और अंबिया उन पर कुफर का तुम क्यों अल्लाह का इनकार करते हो, तुम क्यों अल्लाह का इनकार करते हो। लूत अलैहिस्सलाम को लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने सिर्फ एक दफा कहा कि ये कुफर करते हैं, बाकी हर दफा जितनी दफा अल्लाह ने उन पर लानत किया तो कहा तुम कैसे बेहया हो, ये तुम क्या काम करते हो, तुम कैसे बेहया हो, तुम मर्द मर्दों से शहवत पूरी करते हो। मा सबककुम बिहा मिन अहद मिन العالمین, उस जालिम तुमसे पहले ये गंदा काम किसी ने नहीं किया, ये तुम क्या कर रहे हो। जब धरती पर ये काम लूत अलैहिस्सलाम की कौम का अमल जब दो आदमी करते हैं तो उस जगह के फरिश्ते उठकर ऊपर चले जाते हैं कि अभी अल्लाह ने जमीन को हिलाया और अभी हिलाया और अभी अजाब आया और अभी अजाब आया। तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अल्लाह ने चार अजाब फेंके हैं कट्ठे, और पांचवा जलजला, पहले आया जलजला, हराई फरिश्ते की चीख, फिर ऊपर पड़ी पत्थरों की बारिश, फिर उनके चेहरे उनकी आंखें गई धंसा दी गईं, और फिर उनको अल्लाह ने यूं उठाया और पलटा के यूं मारा, फजालना आलियहा साफिलहा वअमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जीलिन मंदूदिन मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिया मिन अज़्ज़ालिमीन बिबईद। अजीब बात बताऊं, पत्थरों पे नाम लिख के थे, ये पत्थर फलां खबीस के सर पे पड़ेगा, ये फलां बदबख्त के सर पर पड़ेगा। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ईमान नहीं लाई तो अल्लाह ताला के फरिश्तों ने कह दिया तू तो बच जाएगा, तेरी बीवी के सर पे पड़ेगा पत्थर। और लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग आ चुके थे, फरिश्तों ने उन्होंने पूछा कब अज़ाब आएगा, लूत अलैहिस्सलाम ने पूछा फसरब अहलक बिक़तअ मिन अल-लैल वला यल्तफत मिनकुम अहद वमदु हैथु तुमरून। लूत अलैहिस्सलाम कहने लगे अज़ाब कब आएगा, तो फरिश्तों ने कहा इन मौइदहुम अस-सुबह, अभी नहीं, इन मौइदहुम अस-सुबह, जब सुबह का चांदना होगा तो इन पर अजाब आएगा। लूत अलैहिस्सलाम इतने तंग आ चुके थे, कहने लगे नहीं 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 नहीं, सुबह बड़ी दूर है, अभी लाओ अभी लाओ। तो जवाब में फरिश्तों ने कहा अलैसा सुबह बिकरीब, सुबह भी तो करीब ही है, अलैसा सुबह बिकरीब, इन मौइदहुम अस-सुबह, अलैसा सुबह बिकरीब, ये कुरान की आयत है। फरिश्तों ने कहा बस तीन चार घंटे की बात है, निकलो। फलम्मा अताहा अमरुना, फिर अल्लाह का अम्र आया, कहाँ है अल्लाह, क्या हमारा, क्या पढ़े लिखा दौर है, साइंस का दौर है, तरक्की का दौर है, प्लेटें हिलती हैं, अल्लाह वेला बैठा हुआ है। हाँ हाँ वापस आओ वापस आओ, अकल की परस्तिश ने यूनान को क्या दिया, रब की परस्तिश ने दिया जो भी दिया, अल्लाह उसके रसूल की गुलामी से सहरे बंदे हैं जिसके भी बंदे हैं, वही इज्जत की सीढ़ियों पर चढ़ा है जिसने अल्लाह रसूल के गुलामी कदम भरा है, जिसने उनकी चौकट को चूमा है, वही दुनिया और आखिरत में सुरखुरु हुआ है। बेहया मुआशरा टूट जाता है और बेहयाई नंगी होके नाच रही है, क्या हैरत की बात है कि नंगे नाच स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं और देखने वाले मजे से बैठे देख रहे हैं, तो क्या मेरे अल्लाह को गैरत ना आएगी। मैं ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम के इलाके में फिरा हूं, 300 मील का इलाका है, गौर आजकल उसको कहते हैं, पूरी पट्टी पे फिरा हूं, वो सारा पहाड़ी इलाका है, इस्लामाबाद के पहाड़ों में सब बड़े नहीं, छोटे छोटे खूबसूरत पहाड़, चलते चलते एकदम बीच में नशेब आता है और यूं जमीन 300 मील तक बैठी हुई नजर आती है। अरबी जुबान में बैठी चीज को गौर कहते हैं। ये जमीन कैसे बैठ गई, जब लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती को उठाया और उठाकर ऊपर से जमीन पर मारा
तो वजनी चीज जब जमीन पर गिरती है तो दाएं बाएं जमीन नीचे बैठ जाती है। इस ताकत से वो बस्ती जमीन पर गिरी कि 300 मील तक सारी जमीन बैठ गई। तो लूत अलैहिस्सलाम सुबह निकले, निकलना था कि पहले जलजला आया, फिर फरिश्ते की चीख आई, फिर पत्थर बरसने लगे, तो चीखो पुकार। लूत अलैहिस्सलाम ने बीवी से कहा था पीछे ना मुड़ के देखना, पर अल्लाह का फैसला हो चुका था कि इसने कभी सर टूटना है। तो चलते 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 बस वो नहीं रह सकी, जरा यूं इतनी को गर्दन टेढ़ी हुई थी कि ऊपर से पत्थर आया और उसे भूसा बना के फेंक दिया। तो मेरे भाइयों, हम सब खतरे की लपेट में हैं, बारी लग चुकी है, नंबर ब नंबर, नौबत ब नौबत, ये होगा या लोग तौबा करेंगे या अल्लाह की निशानियां खुल के आएंगी। जब मेरी उम्मत गाने बजाने को फैश, जो कौमें गाने बजाने में डूबती हैं वो हलाक हो जाती। चलो मैं कहता हूं वो जो कुरान भी पुरानी किताब और हदीसें भी पता नहीं हैं कि नहीं हैं, कितना एक तबका है जाहिलों का जो ये भी कहता है, वो इकबाल को तुम मान लो, तुम्हारा शायर मशरिक है, हकीमुल उम्मत का लकब पाया है। 1996 में इंडोनेशिया जमात में गया था तो वहां का जनरल हबीबी था मुसलमानों का लीडर, उससे मुलाकात पर उसने कहा कि आपके शायर इकबाल की पोएट्री को हमने अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके अपने नौजवानों में जज्बा पैदा किया। मैंने कहा हमारी कौम तो उसकी कदर ना कर सकी, सात समंदर पार की कौम उसकी शायरी से इनकलाब ले आए, और इन्हें गानों से भी फुर्सत कोई नहीं। तो इकबाल ने क्या कहा था, तुझको बताता हूं कि तकदीर उमम क्या है, तुम्हें बताऊं मैं कौमों के उरूज जवाल की कहानी, शमशीर सना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर, जब वो उठती हैं इज्जत के जीनों पर तो नेजों की खड़खड़ाहट और तीरों की सनसनाहट और तलवारों की झंकार उनका नगमा होता है, और जब वो जिल्लत के गढ़ों में गिरती हैं और पस्तियों में गिरती हैं तो फिर तानसेन उनका बड़ा आदमी बन जाता है, फिर तानसेन के कसीदे पढ़े जाते हैं, फिर गुलूकारों को फनकार बनाया जाता है, फिर नाचने वालियों को फनकारा बनाया जाता है। हाय 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 हाय, 6 लाख को क्या जवाब दोगे, पाकिस्तान के आवाम के को 3 हस्तियों का सामना है, सारी दुनिया को 2 का सामना, एक अल्लाह का एक उसके रसूल का, पाकिस्तान वालों को 3 का सामना है, एक अल्लाह का एक उसके रसूल का और एक उन 6 लाख का जिनकी हड्डियों पर इस मुल्क को तामीर किया गया, वो मासूम बच्चे जो दरख्तों से लटका कर सीने के पार कील कर दिए गए, वो इज्जत मआब बेटियां जो खाक और खून में लौटा दी गईं, वो नौजवान और बूढ़े जिनकी लाशों से ट्रेनें भर भर कर लाहौर के स्टेशन पर आती थी। हाँ, मैं तो मुहाजर नहीं हूं, लोकल आदमी हूं, लोकल जिम्मेदार का बेटा हूं। मेरे अब्बा का एक मुहाजर दोस्त था, उसकी एक दफा वो कहानी सुना रहा था मेरे बाप को, मैं बैठा सुन रहा था। हमारे डेरे पर जालंधर से भागा कमिया साहब, सारा ही खानदान कटवा के निकला। क्या ख्याल है, ये 6 लाख तो ऐसे पड़ा है, इससे ज्यादा ही होगा, ये तुम्हारे गरेबान पकड़ेंगे, इसीलिए बनाया था मुल्क के जगह जगह जिना के अड्डे खुल जाएं, शराब बिके, नाच गाने की महफिलें हों, हमारे खून की यही कीमत है। हाय, इंसान जालिम है, भूल जाता है, 50 की दहाई में पैदा होने वालों ने उन नौहों की थोड़ी बहुत सदा बाज गश्त सुनी हुई है। तुम्हें क्या खबर कितनी जवानियां रुल गईं, कितनी माओं, कितनी माएं, कितने बेटे, कितने बाप, कितनी बहनें, कितने सुहाग, कितनी जवानियां इस भट्टी में जल के गल के राख हुई, फिर इस खित्ते को वजूद मिला। कहने के मैं रात को चलता था, दिन को छुपता था कमाद के खेत में, पीछे सिख आगे मंजिल का पता कोई नहीं, किधर जाना है, रुख लाहौर का था, पहुंच गया दरियाए सतलुज। उस वक्त सतलुज जिंदा था, अपनी रवानियों के साथ बहता था, ऐसे सोया हुआ सतलुज न था। अब आगे सतलुज, पीछे सिख,
या किरपान पड़े या पानी, दो में से एक जरूर है, या अगर आगे मौत या पीछे मौत। क्या मेरे जी में आया सिखों के हाथों मरने से बेहतर है पानी में मर जाऊं, तैरना नहीं आता था। क्या मैंने एक लकड़ी उठाई, उसको आसरा बनाया, मैंने कहा मौला जिंदगी है तो पार लगा दे, तैरना मुझे आता नहीं। कहा मैं उस लकड़ी पर बैठा और ऐसे ही पानी को हटाता हुआ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा। जब जरा सा मैं बीच गया हूं तो मैंने क्या देखा कि सारा दरियाए सतलुज लाशों से भर के बह रहा था। उनको पानी ने कफन दिया, उन्हें सतलुज की मछलियों ने कब्र दी। ये तुमसे पूछेंगे, बद्दांतों से पूछेंगे, जालिमों से पूछेंगे, इन नाचने वालों से पूछेंगे और ये नाच की महफिलें सजाने वालों से पूछेंगे, हमारी हड्डियों की क्या कीमत है, हमारे खून की क्या कीमत है। काश तुम अपनी तारीख ही पढ़ लेते, तारीख इस्लाम छोड़ दो लंबा मौजू है, तारीख पाकिस्तान पढ़ लो। और नहीं तो नसीम हिजाजी मरहूम की खाको खून पढ़ लो। मैंने स्कूल लाइफ में खाको खून पढ़ी थी, एक महीना मैं रोता रहा था। मेरा एक भांजा था, उसने हिफ्ज किया, दाढ़ी मुंडा दी, मुझे बड़ा गम कि ये इसने जालिम ने क्या जुल्म किया। उसने कहीं खाको खून पढ़ी, उसने ऐसी तौबा की, दाढ़ी भी रख ली, पतलून भी छोड़ दी। अपनी तारीख को भुला देने वाली कौमें बेनिशान हो जाती हैं। वो काफिला होता है पर जिसकी कोई मंजिल ना रहे, वो राही होते हैं जिन्हें रास्तों की सिमत का कुछ पता नहीं रहता। खाना पीना ये जिंदगी है, हम किसी काम के लिए आए हैं। और क्या होगा, वलुबसल हरीर, मर्द रेशम पहनेंगे। और क्या होगा, वो शुरबतुल खुमूर, शराब पी जाएगी। और क्या होगा, वलान आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, इस उम्मत के आज के लोग पहले लोगों को गालियां बकेंगे, दीवाना कहेंगे। ऊंटों के लोग थे, पत्थरों के लोग थे, खच्चरों के लोग थे, खोतों के लोग थे, हम रॉकेट वाले। तुम्हारा नबी गधे पे सवार रहा है, सवारी इज्जत की चीज होती तो मेरे नबी को अल्लाह पुराक हर वक्त हाजिर करता। अल्लाह के नबी के दो गधे थे, एक का नाम औफैर था, एक का नाम याफूर था। आप कभी उस पे सवार होते, कभी उस पे सवार होते। फिर आपने खच्चर पर भी सवारी की है, एक का नाम दुलदुल था, एक का नाम फिज्जा था। फिर आपने ऊंटनी पर भी सवारी की है, एक का नाम अजबा था, एक का नाम शाहबा था, एक का नाम जदआ था, एक का नाम कसवा था। फिर आपने एक ऊंट पर भी सवारी की है, उसका नाम अस्कर था। फिर आपने उम्मत के मालदारों को भी गुंजाइश दे दी। आपने घोड़ों पर भी सवारी की है, वो छोटे मोटे घोड़े ना, बड़े आलीशान। एक घोड़े का नाम वर्द था, एक का नाम यासूब था, एक का नाम याबूब था, एक का नाम मुर्तजिल था, एक का नाम सकब था, एक का नाम सबहा था, एक का नाम लेजाज था, एक का नाम तिरास था। ये सारे हसीन घोड़े थे जिन पर आपने कभी कभी सवारी फरमाई कि अगर मेरी उम्मत का कोई मालदार अच्छी सवारी रखना चाहे तो मैं गुंजाइश देता जाऊं कि मैं सिर्फ गरीबों का नबी नहीं हूं, मालदारों का भी नबी हूं। ये जब सब कुछ होगा, मैं सारी को एक दफा दोबारा दोहराता हूं, इज्जत तो खजल फई उदू वाला, जब हुकूमत के कारिंदे बद्दयानत हो जाएंगे, खजाना खुद लूट लेंगे, वल अमानत तो मगनमा, अवाम भी बद्दयानत हो जाएंगे, अमानत खा जाएंगे, व जक़ात तो मगरमा, जक़ात देने वाले जक़ात देना छोड़ देंगे, वो तो इल्म लगैर दीन, इल्म दीन दुनिया कमाने के लिए होगा, व अता रजुल ज़ौजतहु, लोग बीवियों के फरमा बरदार, व अक़ा उम्मुहु, माओं के ना फरमान, व अदना सदीक़हु, दोस्त का इस्तक़बाल, व अक़सा अबाहु, बाप को जलील ख्वार करेंगे, वसाद अल कबील तफासिकुहुम, कबीले का सरदार फासिक, वकान रईस अल कौम अर्दलुहुम, हुकूमत ना अहल इंसानों के हाथ में, वो उकरम रजुल मखाफत शर रही, एक दूसरे को सलाम करेंगे बीच में नफरतें छुपाकर, और ज़हरत वर्तफत अल अस्वात फिल मसाजिद, और मस्जिदों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, व ज़हरत अल कैनात वल मआज़िर, गाना बजाना आम होगा, गाने वाली मोहतरम होंगी, वलुबस अल हरीर, और रेशम पहना जाएगा, वो शुरबतुल खमूर, और शराब पी जाएगी, वलान आखर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, आज के लोग पिछले लोगों को बुरा भला कहेंगे। जब ये सब कुछ होगा
तो फिर कुछ और भी होगा, वो क्या होगा, فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ, तो फिर मेरी उम्मत इंतजार करे उन पर हवाएं पागल बन के झपटेंगी, हवाओं का रंग सुर्ख हो जाएगा, जमीन जलजलों पे आ जाएगी, जमीन में धंसा दिए जाएंगे, पत्थर बरसा दिए जाएंगे और ऊपर नीचे अजाब के तहाने खुल जाएंगे। जब तक तौबा ना होगी ये रास्ता बंद ना होगा, ये पकड़ बंद ना होगी। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, आप सबकी मैं मिन्नत करता हूं, हाथ जोड़ता हूं और एतकाफ वालों का शुक्र गुजार हूं कि उन्होंने अल्लाह के गुस्से को ठंडा करने वाला काम किया। आप सबसे भी कहता हूं कि हम सब अल्लाह के दरबार में झुककर तौबा करें। यह तौबा का वक्त है, यौमे दुआ मनाने की चीज नहीं है, और ये रोने की चीज है। रोवो रोवो के वो रूठा हुआ है, और उसे मनाना सबसे आसान है, सबसे आसान है। मेरे एक बुजुर्ग मुझसे नाराज हो, डेरे में भरे डेरे में एक घंटा में जमीन पर बैठ के उनकी मिन्नतें करता रहा, जमीन पर, वो चारपाई पर, नौकर खड़े हुए, रिश्तेदार खड़े हुए, और मैं माफी मांग रहा हूं, मैं नहीं करना है, मैनू पता है तू बड़ा बड़ा मौलवी है, मैं तेन माफ नहीं करना। एक घंटा मिन्नतें करवा कर फिर माफ किया, खून का करीबी रिश्ता। और मेरा अल्लाह कैसा है, मेरा अल्लाह कैसा है, आय हाय यबन आदम लो बलग الذنوب كعنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي। मेरा बंदा हौसले निकाल ले गुनाह करने के, इतने करके इस्लामाबाद को ना भर, इतने करके पाकिस्तान को ना भर, हिंद सिंध को ना भर, सातों जमीनों को भर दे, फिर तय बतय गुनाहों को रखता जा और खलाओं को भर दे, चांद तारों की रोशनी छीन ले, सूरज को काला कर दे अपने गुनाहों से, और अपने गुनाहों को मेरे आसमान की छत के साथ आकर फंसा दे। इतने गुनाह करने के बाद तूने एक दफा अगर कह दिया या अल्लाह माफ कर दे, तो मैं सारे माफ कर दूंगा। वला उबाली, कोई है मुझे पूछने वाला, मुझे कोई पूछ सकता है कि क्यों माफ किया, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम तौबा करने वाले बनो, मुझे माफ करने में देखोगे कोई देर न लगेगी। मन तकर्रब इलैया तलक्कैतहु मिन बईद, सारी जिंदगी कट गई इश्क बुता में, मोमिन से चूक हो गई, या वैसे शायरी की तरंग में कह दिया, आखिर उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। आखिर उम्र तो बहुत ज्यादा है, आखिरी सांस में भी तौबा कर ले तो अल्लाह गले से लगा ले। जो अपने गुनाहों का बोझ लेकर नदामत के आंसू बहाता हुआ बोझल कदमों के साथ अल्लाह के घर की तरफ बढ़ता है कि आज अल्लाह को मनाने जा, आज उससे सुलह करने जा रहा हूं, माओ को मनाने जाओ वो बात नहीं करती, बाप को मनाओ वो उल्टा पिटाई करता है, भाई को मनाने जाओ वो दरवाजा नहीं खोलता, और रब को मनाने जाओ कब कब कब, जब बाल बाल गुनाहों में जकड़ा हुआ, जब रुआ रुआ गुनाहों का गटर बना हुआ, जब पीछे मुड़ के देखो तो कोई एक किरण कहीं नेकी की नजर ना आती हो, स्याहियों में लिथड़ा हुआ, गंदगियों में डूबी हुई या डूबा हुआ, लिथड़ी हुई या लिथड़ा हुआ, गफलत में जिंदगी गुजारने वाली या गुजारने वाला, जब ये बोझल कदमों से अल्लाह की तरफ बढ़ता है तो मेरा अल्लाह कहता है ठहरो, मैं तेरे इस्तकबाल के लिए अरशों से नीचे उतर के खुद आगे आ रहा। तो लक्कैतहु मिन बईद, आओ जी हम आगे नहीं बढ़ जाते अपने करीबी दोस्त के लिए, आओ जी, तो ये कुछ मेरा अल्लाह कह रहा है, जो तौबा करने मेरी तरफ आता है मैं आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करता हूं। वमन आरद अन्नी नादैतुहु अन करीब, जो मुझसे रूठ जाता है उसको खुद करीब जाके बुलाता हूं। इला ऐन अवलक रब्बुन गैरी, मेरा बंदा को मुझसे प्यारा रब तेरे पास है, कहां जा रहे हो, जिससे मां ना फरमान बच्चे को कहती कहां जा, जाहिल थे, जानवर थे, और जब इंसानियत का शोर आया तो वो उठ के अल्लाह के पास चले गए, और तुम्हारे हैं तो कदर कर लो, मैं तो महरूम हूं इन दोनों से। तो
तुम्हारे जिंदा हैं तो कदर करो वरना कफे अफसोस मलते रहोगे। मूसा जैसों से अल्लाह ने कह दिया जब मां मर गई मूसा कोहे तूर पे, अब जरा संभल के आया करो, दुआएं करने वाली चली गई। हाय तो मेरा अल्लाह क्या कहता है, आओ आओ मैं तेरा इस्तकबाल करता हूं, आ जा मेरा बंदा, कहां जा रहा है। فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ। काश इस आयत के अंदर का शहद मैं आपको निकाल के दिखा सकता, इसके अंदर में अल्लाह की मोहब्बत मैं आपको दिखा सकता कि अल्लाह कैसे पुकार रहा है, या अय्युहल इंसान, ओ मेरा बंदा, ओ मेरी बंदी, कहां जा रहे हो। मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ओ कभी रब भी जालिम हो सकता है, तेरी मां तुझ पे जुल्म कर सकती है, ऐन मुमकिन है कि माएं जालिम हों। खैजुरान ने अपना सगा बेटा कत्ल कर दिया, हारून रशीद की मां खैजुरान, मेहदी की बीवी, हादी हारून की मां, मेहदी के मिजाज पे सवार थी। मेहदी उसके पीछे भी जैसे नूर जहां जहांगीर पे छा गई, खैजुरान मेहदी पे छा गई। जब वो मर गया तो हादी खलीफा बना, उन्होंने कहा अम्मा वह घर के अंदर बैठना, बाहर नहीं आना, चार दीवारी में तेरा हर हुक्म चलेगा, हुकूमत के मामलात में दखल नहीं देना। रात सोते को मां ने मरवा दिया। माएं तो ये जुल्म करती चली आई हैं, पर तेरा रब हरगिज कभी जुल्म नहीं कर सकता, कभी जुल्म नहीं कर सकता, कभी जुल्म नहीं कर सकता। ये बच्चे क्यों मर गए, ये मासूम क्यों मर गए, ये पत्थर क्यों हिल गए, ये गरीब लोग थे इनको क्यों पकड़ लिया। ओ मत करो ये बातें, मत करो ये बातें, इनसे तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो। मेरे अल्लाह से ज्यादा मेहरबान कोई नहीं है, जन्नत कोई मुफ्त का सौदा है। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ, मैंने तुम्हें आजमाना है दुख देकर भी, सुख देकर भी। وَنَبْلُوكُمْ بِشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, मैंने तुम्हें आजमाना है राहत देकर भी, मुसीबत देकर भी। مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, जो तुम पर मुसीबत आई है तुम्हारे हाथों की कमाई है। यहां अजाब की तरफ इशारा है, यहां अजाब को बताया जा रहा है। مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِإِذْنِ اللَّهِ, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह के अमर से आई है। यहां इम्तिहान की तरफ इशारा है। सुनो दो आयात आपको बता रहा हूं, दोनों का मिस्ताक अलग है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अईदीकुम, तुम पे जो दुख तकलीफ आया है तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिइज़्निल्लाह, तुम पर जो मुसीबत आई है अल्लाह की इजाजत से आई है। ये बिइज़्निल्लाह बिमा कसबत अईदीकुम, बिमा कसबत अईदीकुम पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का अजाब होता है, और बिइज़्निल्लाह पर जब जमीन आसमान हिलते हैं तो अल्लाह का इम्तिहान होता है। अच्छा चलो इन पर ये तो गुनहगार भी होंगे, कौन से मासूम थे, गुनहगार भी होंगे। अल्लाह ताला एक हदीस में आता है, अल्लाह अपने बंदे के लिए जन्नत में एक मकाम तय करता है, वो अपने अमल से पहुंच नहीं पाता तो अल्लाह उस पर मुसीबत डाल के उसको वो मकाम अता फरमा देता है। और अल्लाह ताला जन्नत में जब मुसीबत ज्यादा लोगों को बुलाएगा, मुसीबत वाले आ जाओ, ऐलान होगा 8 अक्टूबर के जलजले वाले आ जाओ। जब अल्लाह उनको जन्नत के दर्जात देगा तो जो लोग आफियत में रहे होंगे वो कहेंगे हाय काश दुनिया में हमारे गोश्त कैंचियों से काटे जाते और हमें भी ये रुतबा मिल जाता। कैंची क्यों कहा, तलवार क्यों नहीं कहा, खंजर क्यों नहीं कहा, कि तलवार और खंजर काम तेजी से दिखा जाते हैं, कैंची तो कपड़ा काटने के लिए है, गोटी काटने को तो नहीं है। इस बात की तरफ इशारा है कि कैंचियों से हमें काटते, रग रग हमारी फड़कती और दुखती और हम हाय हाय करते मरते, पर अगर हमें यह मिल जाता तो हमें कोई नुकसान ना था। तो अल्लाह अच्छों को भी आजमाता है, बुरों को भी। आजमाइश के बाद लोगों में कुफर बढ़े तो अजाब की निशानी है, आजमाइश के बाद लोगों में तौबा आए तो ये अल्लाह पाक के इम्तिहान की निशानी है। अल्लाह ताला ने पहाड़ हिलाए, चलो इनमें कसूरवार भी थे, बेनमाजी भी होंगे और दूसरे कामों वाले भी होंगे। इमाम हुसैन ने क्या कसूर किया था, जो सीना छेद दिया गया, क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने, वो सीना जिसको यानी हसन हुसैन वो हस्तियां हैं जिनकी बोटी बोटी पर अल्लाह के नबी ने बोसे ली,
ऐसे चूमा यहां तक चूमा, सिर्फ सर और माथा नहीं चूमा। क्या कसूर किया था इमाम हुसैन ने? ये क्या अजाब आया? अजाब आया नऊज़ बिल्लाह, मैं आज के जहन की तर्जुमा नहीं कर रहा हूं। अल्लाह के नबी गली में गुजरे, बच्चे खेल रहे, इमाम हुसैन भी खेल रहे, तो आपने कहा पकड़ो भाई हुसैन को, जैसे बड़ा आदमी छोटे के पीछे भागता है, पकड़ो भाई पकड़ो। तो आगे इमाम हुसैन भागे भागे उधर गए, तो आप आगे से आ गए, पकड़ो भाई पकड़ो, तो उधर चले गए, पर आप आगे से आए, पकड़ो भाई पकड़ो। अब वो जैसे बच्चा यूं समझता है, मैं बड़ा दलेर हूं, मेरा प्यो मैं नप्पे नहीं सकता, मैं केड़ा वड़ा एथलीट बन गया। तो वो यही कुछ इमाम हुसैन कर रहे थे, कभी इधर होते कभी उधर होते, हमारे नबी कभी आगे होते कभी पीछे होते, यहां तक उनको ऐसे पकड़ के उठाया और उनके होठों और माथे को चूमा और फरमाया हुसैन मुझसे है मैं इससे। अब आए इसको क्यों सीन, हाय हाय क्या तीर लगे हैं, क्या तीर लगे हैं, क्या तीर लगे हैं, इधर आ सितमगर हुनर आजमा, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और सिर्फ हुसैन थोड़ा ही शहीद हुए, 16 आले रसूल में से शहीद हो गए। इमाम हसन के बेटे कासिम इस काफले के सबसे हसीन नौजवान थे। जब सारे जान निसार शहीद हो गए तो फिर अहले बैत की बारी आई, तो सबसे पहले कासिम ने अपनी जान का नजराना पेश किया और आकर अपने चचा के सामने खड़े हुए, बीच में लोहे की दीवारें, उन पर जो तलवार पड़ी, हाथ पर हाथ कट के अलग हुआ, जमीन पर गिरा, उनका या अम्मा हाय चचा। तो इमाम हुसैन कहां पहुंचते, लोहे को चीरते चीरते जब पहुंचे तो जुल्म अपना काम दिखा चुका था और बेटा भतीजा आखिरी सांसों में हिचकियां ले रहा था, तो उसके सराने खड़े होकर कहा, कासिम मेरे बेटे, आज तेरे चचा के दोस्त बड़े थोड़े हैं और दुश्मन बड़े ज्यादा हैं, अल्लाह नासिर हो वकफर वातिर हो, वो क्या दिन होगा जब अल्लाह का रसूल तेरी तरफ से खुद मुद्दई बन के अदालत में आएगा, उस दिन इनको कहां जाए पनाह मिलेगी। एक दफा तलवारें रुक गई इमाम हुसैन के ये बोल सुनकर, तो उनको उठाया सीने से चिमटाकर, उनके पांव जमीन पे लगते जा रहे थे, जहां पहले जाफर के बेटे शहीद हुए पड़े थे, जाफर के बेटे औन अब्दुल्ला मोहम्मद, औन और मोहम्मद यहां शहीद हुए हैं, अब्दुल्ला जिंदा सलामत रहे जिनसे हजरत जाफर की नस्ल चली, औन और मोहम्मद के साथ जाके कासिम को लुटा दिया। 16 आखिरी शहजादा अब्दुल्ला, इमाम हुसैन के 4 बेटे शहीद हुए, अली अल अकबर, अली अल औसत, अबू बकर, अब्दुल्ला, 4 बेटे शहीद हुए। आखिरी बच्चे अब्दुल्ला हैं, 2 साल के, उनको बुलवाया मिलने के लिए, प्यार करने के लिए, खुद रह गए, बच्चा रह गया था, अब जाने का वक्त आ चुका है, तो उसको प्यार करके वो बच्चा ऐसे तड़प रहा था प्यास की शिद्दत से, इतने में एक सनसनाता तीर आया और अब्दुल्ला के सीधा आकर गले में लगा, खून का फवारा छूटा, इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई जमजम के पानी से और हुसैन के लाल की प्यास बुझाई बाग सुखा कर है से उम्मीद मेरी कर दे इम्तिहान है हमारा भी, जो मर गए जन्नत में चले गए, देखते नहीं हो रमजान में मरे हैं, और रमजान में तो हिसाब नहीं होता। अब अल्लाह ताला कोई तुम्हारी तरह खातेदार थोड़ा ही है कि महीने के बाद फिर अच्छा जी होता हिसाब दे दो, जब एक दफा छोड़ा तो छोड़ दिया, रमजान में मरने वालों का हिसाब नहीं। मासूमों के साथ मरे हैं तो जब मासूमों ने आगे जाकर माओ की सिफारिश की होगी तो खुद ही माए भी सीधी जन्नत में, वो भी जन्नत में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह ये तो मुसलमान को बड़ी तंगी देता है, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े लाडले नबी से, अल्लाह से कर लेते थे बातें ऐसी, या अल्लाह ये आप मुसलमान को बड़ी तंगी देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा इधर देखो, अल्लाह ताला ने जन्नत खोल दी, इधर देखो
जब जन्नत को देखा तो कहने लगे मेरे मौला तेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर मुसलमान के हाथ कटे हों, पांव कटे हों, नाक के बल जमीन पे रगड़ता रगड़ता घिसड़ता फिर रहा हो और क्यामत तक इस तरह सिसक सिसक